मैं सुमन चौहान मजदूर वाणी देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। साइबर क्राइम थाना भिवानी से एक लड़की के साथ लगभग 1 लाख रुपए की ठगी का समाचार प्राप्त हुआ है। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसके फोन पर एक अनजान व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि आपके पापा ने आपके खाते में 20,000 भेजने को कहा है। फोन काटने के तुरंत बाद मेरे फोन पर 15,000 रुपए जमा होने का मैसेज आया और उसके थोड़ी देर बाद 50,000 जमा होने का मैसेज आया और उसके बाद उस अनजान आदमी ने मुझे बोला कि मैंने गलती से आपके खाते में 5,000 की जगह 50,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम अपने 5,000 रखकर बाकी 45,000 मुझे वापस लौटा दो। तो मैं उस अनजान व्यक्ति की बातों में आ गई और 45,000 उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी देर बाद मेरे फोन पर 55,000 जमा होने का एक और मैसेज आया तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरी बेटी ने गलती से आपके खाते में 55,000 रुपए और जमा कर दिए हैं। वो 55,000 हमने डॉक्टर को देने थे लेकिन गलती से आपके खाते में आ गए। कृपया वो 55,000 हमारे खाते में वापस लौटा दो। तो फिर मैं उस व्यक्ति की बातों में आ गई और 55,000 मैंने अपने पेटीएम से उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। जब मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो मेरा खाता बिल्कुल खाली हो चुका था और मेरे साथ 1 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी। साइबर थाना भिवानी पुलिस ने आईपीसी की धारा 419-420 के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की छानबीन शुरू कर दी है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।